रिसेंट नया नया जब गाड़ी था तब तो एक दो बार मुझे ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा जहाँ पे गाड़ी सिग्नल पे बंद हुई थी देन चालू होने में उसको थोड़ा डिले लगा मैप वगैरह वगेरा चलने रहता है। रहा। हैंग था, था, वो. Main, था मुझे रैटलिंग नॉइज का मतलब कार मतलब वर्थ है तुम तो इसका वर्थ है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवम माली और अभी हम बैठे टाटा एल्ट्रोज के अंदर ये पेट्रोल वेरियंट है लेकिन आज हमारे साथ है वन सर जिन्होंने मतलब 2020 ना yeah, मतलब या uh, yeah, okay, uh, कुछ महीने हुए थे बट इट वाज नॉट फेमस ऑफ लॉकडाउन वगैरह बाद में ओपन हुआ था सब यस yes. और तो मतलब सर ने तभी कर लिए आज की डेट तक लगभग लगभग 17000 किलोमीटर 17300 किलोमीटर 17000 किलोमीटर कार चढ़ चुकी तो इस वीडियो में हम आपको मतलब एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू देंगे कि मतलब सर को क्या मतलब पॉजिटिव फेस हुए है कार में मतलब नेगेटिव भी मतलब थोड़े बहुत लगे हुए हैं ऐसे है, है, तो आपको सब डिटेल में बताएंगे हम कि कार मतलब आपको लेनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए या फिर आप कोई अदर कार जैसे कि अभी नई बने न आ गई नई आई ट्वेंटी भी लॉन्च हो रही है तो मतलब किस पे जाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे तो बने रहिए पूरा वीडियो में तो सर अभी मतलब आप एक बताइए कि तब ट्वेंटी ट्वेंटी डिसम्बर के हिसाब से आपको क्या प्राइस में मिली थी ये कार एक्चुअली uh, ये एक्जी uh, टॉप और एंड है ऑप्शनल uh, के नीचे वाला उस टाइम पे एग्जी प्लस नहीं था शायद सो so, uh, ये मुझे पड़ा था एट सेवेंटी फाइव ऑन रोड पूरा पकड़ के मैंने कार लिया था रुद्रा मोटर्स वागोली पुणे से yeah. तो फिर अभी तब आपके पास कौन से ऑप्शन थे आई ट्वेंटी तो न्यू वाली तभी नहीं आई थी शायद. नहीं थी आई थिंक सेम टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया था इसके पहले हमारे पास बोलेरो थी नाइन सीटर वाली बट दैट वॉज नॉट फॉर यू नो रेगुलर कार फैमिली टूर के लिए वगैरह यूज करते थे बट hmm. uh, थोड़ा वो पुरानी कार थी एंड तो उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो रहा था तो वी डिसाइडेड टू सेल दैट कार और कुछ नई कार लेने के लिए वी ऑलमोस्ट फाइनलाइज फिर मैंने uh, मेरे पेरेंट्स से बात किया घर पे बात किया घर वाले बोले ओके okay, ठीक है एंड uh, फिर uh, उस टाइम पे आल्ट्रोज भी था बट अल्ट्रोज ऐसे शोकेस में ऐसे लगा था कि लाइक इट्स प्रीमियम कार बाहर से भी ऐसा लगता था कि ये बहुत भारी कार है ये एंड आई वॉज लाइक अभी ठीक है अभी ये बहुत महंगा भी रहेगा उस टाइम पे क्योंकि नया लॉन्च था और कार दिखने में भी ऐसी थी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार जैसी तो मैंने इसका सोचा भी नहीं उस टाइम पे मेरे पापा को मैं टियागो दिखाने लेके गया पापा ने टियागो छोड़ दी अल्ट्रोज उनको दिखे अल्ट्रोज में आके बैठे देखा पूरा मुझे बोले कि यही लेंगे अपन फिर आ, फिर मैंने इसका देखा मेरे मामा भी थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टियागो कर सात लाख हाँ। टियागो में टॉप मॉडल आ रहा था सात लाख का Uh, तो उन्होंने बोला कि और एक लाख एक डेढ़ लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करके अच्छे गाड़ी ले बड़ा ले क्योंकि इसका इसका uh, कैपेसिटी भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है हाँ। ना फ्लोर विदाउट एनी कंजन एंड ऑल आराम से बैठेंगे तो जैसे की मतलब आपने बोला कोकन साइड हजी वगैरह घाट और माउंटेन्स काफी है तो मतलब ऐसे परफॉर्मेंस इज कैसेलेक्ट है आपको हिल्स पे क्या परफॉर्मेंस का रखना uh, होगा सी I आई mean, मीन उसका कैसा है कि ऑबवियसली uh, कि अगर हिल्स में, exactly. में आप ड्राइव कर रहे हैं अगर हिल्स में आप ड्राइव कर रहे हो तो अल्टीमेटली एसी uh, तो ऑफ होना ही चाहिए ओके एंड परफॉर्मेंस अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे uh, तो आई मीन एसी ऑफ है एंड uh, हिल पे ड्राइव कर रहे हैं एंड यू नो हाउ टू ड्राइव इन वो घाट सेक्शन में वगैरह पता hmm. है आपको कैसे ड्राइव करना है सो आई मीन इट्स इट्स गुड एंड कम्फर्टेबल इतना इसमें इतना लग, लगता है कि आई I मीन mean, uh, इतना घाट में ऐसे टर्नस वगैरह रहते पैसेंजर्स भी दे नाट गेट उनको परेशानी नहीं होती है टर्नस में वगैरह सो ड्राइविंग भी स्मूथ लगता है पिकअप वाइज भी गाड़ी अच्छा है बट uh, इसको जस्ट सिटी मोड में रखना है इसी ऑफ करके सो so वो सब सभी गाड़ी में रखना पड़ता है बट hmm. uh, uh, मुझे तो लगता है कि मतलब इट इज़ गुड ड्राइव में अगर ड्राइव uh, ड्राइविंग के इसमें मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा या कुछ लैग नहीं लगा जहाँ पे घाट hmm. में गाड़ी बंद हुआ है मेरा एक बार भी नहीं हुआ ऐसे इनफैक्ट मैं uh, मारुति की Hyundai uh, की uh, भी uh, गाड़ी चलाई है आ, गगन बाउडा घाट में मेरे 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 से वो गाड़ी दो तीन बार बंद हुई थी घाट सेक्शन में थी, थी दैट बट तो हाँ, अच्छा। मैं पेट्रोल में स्विच किया था बिकॉज घाट सेक्शन था इसलिए बट स्टिल आई मीन वहाँ पे लैग कर रही थी गाड़ी वो बट पावर के मामले में आई फील कि अल्ट्रोज इज बेस्ट सो so, कुछ डिफरेंस नहीं लगा घाट में मतलब हाँ ये थ्री सिलेंडर इंजन है लेकिन मतलब उससे क्या है मतलब मेनली क्या होता है जो अपना सिलेंडर रहते हैं ना कार में तो मतलब उनका भी एक स्पार्क होता है तो मतलब Correct. फोर सिलेंडर थ्री सिलेंडर में यही स्पार्क है की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो फोर सिलेंडर की ज्यादा होती है तो मतलब okay. थोड़ा सा सा फर्क रहता है ऐसे कुछ चलाने में ज्यादा डिफरेंस डिफरेंस नहीं, नहीं। आपको कब लगेगा जब कार पे लोड होगा ज्यादा मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कट लो ए चालू किया तो मतलब थोड़ा सा आपको लगता है लेकिन अगर घाट में वगैरह ए सी ऑफ करके वगैरह चलो तो मतलब कुछ इसमें और उसमें कुछ ऐसे बहुत फर्क तो नहीं रहेगा करेक्ट करेक्ट कुछ इतना फर्क नहीं लगा इवन कहा

क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी ऑफ तो हो जाती है एंड यू ऑटोमेटिकली अगर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट भी होती है और, और क्लच प्रेस करते हो स्टार्ट होती है तो वो सिग्नल पे नहीं हो रहा था मेरे से सो so, थोड़ा डिले हुआ वहाँ पे थर्टी uh, सेकेंड्स का डिले हुआ जहाँ पे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ सो so, वो मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगा एंड मैंने फिर वो सर्विस सेंटर को दिखाया एंड उनको उन्होंने उनको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के बाद बोला उन्होंने बोला कि ठीक है हम अपडेट करते हैं एंड अपडेट करने के बाद से वो इशू मुझे फिर से कभी नहीं आया तो फिर मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं हुआ कुछ कुछ इश्यू नहीं परफॉर्मेंस वाइज एवरी इज स्मूथ गाड़ी का रोड टू टायर जो ग्रिप रहता है वो बहुत अच्छा है इसका एक्सेलेंट स्टेबिलिटी बहुत एक्सेलेंट है टर्न में भी आप अगर शार्प टर्न भी मारते हो ना यू नॉट फील कि गाड़ी कहीं नीचे जा रहा है नोटिस किया होगा तो इसमें काफी ब्रॉड है ना मतलब वो लेवल के टायर्स इन्होंने दे रखे है जिससे स्टेबिलिटी मतलब करेक्ट नेक्स्ट लेवल है हाईवे पे भी अगर तुम हंड्रेडी मैंने तो हंड्रेड के ऊपर नहीं गया हूँ बट मैं जब साइड के मेरे फ्रेंड्स के हाथ में गाड़ी दिया था उन्होंने टच किया बट ऐसा फील ही नहीं होता कि गाड़ी मतलब हवा में चल रहा है हाँ। या ऐसा ला, ऐसा घूम रहा है बिल्कुल नहीं गाड़ी फॉर्म एक कंसिस्टेंट स्पीड में चल रहा है एकदम चिपक एक लाइन में, में। चीपके। यस यस चिपक के और अगर हम इंजन के माइलेज की बात करते तो आपको फिलहाल कैसा आ रहा है सो अभी इसमें मैं आपको बता देता तो हूँ तो कि सत्रह हजार किलोमीटर हो गए और अभी मतलब फोर्थ सर्विस हो गई मतलब जो ऑयल चेंज वाली सर्विस होती है वो होने के छह महीने बाद एक सर्विस होती है तो वो ऑयली सर्विस हो चुकी है यस सो इसमें दो चीज़ें हैं माइलेज के बारे में एक तो विद इन सिटी और एक हाईवे माइलेज हाईवे, हाईवे पे मुझे जनरली एम आई डी पे विथ ए सी ऑन विद सिटी मोड एंड फुल आ, पैक्स एंड फुल लोडेड गाड़ी बूट स्पेस वहाँ पे मुझे एम आई डी पे ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के आसपास मिलता है जब एकदम नया था गाड़ी उस टाइम पे ट्वेंटी फोर वगैरह दिखा रहा था एम आई डी बट जैसे सर्विसिंग हुआ वो एक दो से कम हो गया बट एम आई डी का ट्वेंटी ट्री ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री आता है एंड विद इन सिटी अगर इवन पुणे सिटी और मेरे होम टाउन में मैं ड्राइव करता हूँ जहाँ पे बार बार गाड़ी क्लच प्रेस करना पड़ता है एंड ब्रेक दबाना पड़ता है उस टाइम पे इट गोज डाउन टू चौदह पंद्रह के आसपास तो आता है और ये मतलब पूरा एसी पे रहेगा कंटिन्यू ए सी मेरे में मै बहुत रेयरली ए बंद करके और

आईआरवीएम जो इन्होंने ऑटो डाइमिंग तो ने नॉर्मल मैन नॉर्मल है।, है तो मतलब इन अंदर बैठ के किसे लगता है कंफर्टेबल कार फील होती है पूरी प्रीमियमनेस uh, लगता है बिकॉज़ ये uh, जो फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है प्रीमियम कार्स में आता है अभी आ रहा है बाकी कार्स में भी

कम्फर्टेबल कम्फर्ट वाइज आई मीन वेरी गुड बिकॉज जैसे आपने बोला कि तीन लोग आराम से hmm. हट्टे कट्टे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं पीछे सो कम्फर्ट वाइज भी बहुत अच्छा इसका space बहुत है इसका बूट स्पेस बहुत बढ़िया है और जहाँ पे आई I मीन mean, बहुत सारा सामान मैं घर पर जाता हूँ तो लेके आता हूँ पूरा पैक टू पैक रहता है फिर भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि गाड़ी यार बहुत परेशान कर रही है बट नो no, गाड़ी उसके हिसाब से ही वो चलती है कुछ डिफरेंस नहीं लगा उसके मामले में एसी बहुत बढ़िया है कूलिंग बहुत फास्ट है इसका एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं सर्विस सेंटर में उनको बोला कि यार बहुत ज़्यादा कूल होता है उन्होंने मुझे ही बोला कि यार सर ये तो फिर अच्छी बात है फिर <laughs> लोगों की कंप्लेंट रहती कि मेरा ए सी कूल नहीं होता है बोला ठीक है फिर रहने दो सो बहुत फ़ास्ट ए सी कूल होता है और ऑटोमेटिक ए सी है तो मतलब इमिजिएटली वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो टेम्परेचर सेट कर देता है सीट्स कंफर्टेबल बहुत कंफर्टेबल है आ, मतलब ऐसे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है बैठने के बाद पकड़ के रखा है सीट ने ऐसे अपने को ऐसा फील होता है इसका हेड रेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है एंड जो पीछे बैठते हैं मैं तो बहुत रेयरली पीछे बैठा हूँ बिकॉज मेरे हाथ में गाड़ी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम सो बट मेरी वाइफ क्यों मे, और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स जब बोलते हैं कि हाँ ठीक है पीछे बहुत कम्फर्टेबल है मतलब आराम से बंदा ऐसे बैठ सकता है आप पैर आगे hmm. करके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो मतलब बहुत अच्छा है वो साउंड क्वालिटी वगैरह बास वगैरह ऐसा फील बहुत अच्छा फील हाँ, आता है उसका साउंड तो मतलब मैं बोलता हूँ अगर आप आई ट्वेंटी के बोस से वगैरह कंपेयर करते हो ना मुझे पर्सनली बोस से ये अच्छा लगता है बड़े स्पीकर चार है चार डोर्स को चार चार स्पीकर, स्पीकर और आगे दो ट्विटर्स वगैरह मतलब साउंड काफी अच्छी बनती बहुत अच्छी क्वालिटी है इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम का जब नया गाड़ी लिया था तो एंड्रॉइड ऑटो के लिए उसके इशूज आ रहे थे जहाँ पे मैप वगैरह चल नहीं रहता है पूरा सिस्टम हैंग होता था वो तो मुझे लगा कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें फिर मैंने वो रेज कंप्लेंट रेज किया रुद्रा वालों को उन्होंने फिर हारमन को रेज़ किया हारमन का इंजीनियर आया उन्होंने फिर वो अपडेट करके दिया आ, अभी मैंने फिर वो फोर्थ सर्विस में भी उन्होंने अपडेट किया है सो सेकेंड अपडेट मेरा हुआ है सो so, उसके बाद से कुछ इश्यू नहीं है एंड अभी मैं एप्पल फोन यूज करता हूँ तो एप्पल कार प्ले तो बहुत स्मूथ है उसका इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है, हाँ, मतलब है।, हाँ, है मतलब फास्ट है है कैसे होता मतलब बाकी जनरल कार्स में आगे सामने एक सिस्टम है तो उस उसपे आपको मैप चलता है लेकिन इसमें कैसे मैप इस इसपे भी दिखेगा साथ ही साथ जो मतलब स्पीडो में तो, में भी में भी आपको मतलब ऊपर छोटा सा दिखता है कि आपको टर्न पे लेना है मतलब छोटे छोटे इनपुट जिससे कि काफी हैंडी हो जाती है हैडी हो जाता है मैं यहाँ पे ज्यादा देखता नहीं मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे रहता है तो बाकी ये चीज़ें और ऐसे बिल्ड वाइज तो मतलब काफ़ी इससे आगे तो कोई नहीं है सेगमेंट में बिल्कुल बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी जितने भी एक्सीडेंट्स देखते हैं हम यूट्यूब पे जब आते हैं या ग्रुप में हम शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह तो टाटा की गाड़ियों के देखोगे तो आप मतलब कितना भी ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो ऐसी गाड़ी सिर्फ पिचक जाती है बट बाकी आप हाँ, देखो, है। देखो, देखो गाड़ी आपता है।, हाँ, है बट बाकी कंपनी की कार्स देखोगे नाम नहीं लेना चाहता बट बाकी कंपनी की कार्स देखोगे तो मतलब पेपर जैसे अपन क्रैश करते हैं हाथ में लेके उस टाइप पे होती है हम पूरा नाम ले कोई कुछ नहीं बोलेगा हमारे सब ओपन और अभी तो आप लोगों ने देखा होगा हुई की जो आई ट्वेंटी है अभी उसका क्रैश टेस्ट हो गया मतलब अच्छी बात नहीं ना मतलब बाहर की कंट्रीज में अच्छे सेफ कर उनके इंडिया में सेफ नहीं है तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर आपको एक सेफ कार चाहिए तो मतलब आपके पास ऑप्शन है लेकिन अगर सेफ्टी आपको प्रायोरिटी नहीं है बाकी चीजें तो मार्केट में वैसे भी सब बाकी ऑप्शन अवेलेबल है मतलब मतलब ये सब हो गए मतलब कार के ओवरऑल पॉजिटिव्स हो गए लेकिन कैसे नेगेटिव्स भी पता लगते हैं ये टाइम में करेक्ट करेक्ट तो नेगेटिव्स क्या लगे आपको कार्स में कैसा है कि मतलब हर एक चीज के लिए ना वो कार हो या कोई और चीज हो उसमें प्लस माइनस होता ही है सो so, uh, मैं अभी सिर्फ इसकी तारीफ ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इसमें भी नेगेटिव पॉइंट्स थे ओके मेन मेजर नेगेटिव पॉइंट था मुझे रैटलिंग नॉइज का रैटलिंग नॉइज इज जो uh, अगर गाड़ी 80 प्लस स्पीड पकड़ती है और फिफ्थ गियर पे हुँ. तो लेफ्ट साइड से uh, उधर से रैटलिंग का आवाज आता था टररे सा नॉइज आता था okay. और मतलब ऐसे नहीं कि इसे एल्ट्रो मतलब काफी एल्ट्रो दोनों बहुत सारे एल्ट्रोस में है इशू और आ, मैंने बहुत एस्केलेट किया ऊपर तक लेके गया एंड मुझे बाद में पता चला कि वो इंजन का ही इशू है वो जो बैच का इंजन था उसमें ही इशू है एंड एक्चुअली दिस इज नॉट ए इशू वो इंजन जैसे वो इंजन ही वैसे काम करता है उसकी वजह से आवाज आता है बट वो आवाज हमेशा नहीं आता है कभी कभी आता है मतलब उसका डिपेंड मतलब हम बता ही नहीं सकते मतलब अगर सर्विस सेंटर वालों को सुना होगा आवाज आ रही तब आवाज नहीं आता नहीं आता है वो मेरे साथ भी हुआ है वो Uh, मैंने बहुत ऊपर तो तक एस्केलेट किया था डाटा में उन्होंने uh, बोला कि uh, हम ट्राई करेंगे बट uh, हमें नहीं लगता कि इस पर कुछ फिक्स है इंजन के अंदर हम जाके कुछ नहीं कर सकते सो so, uh, मैंने बोला ठीक है अगर आप और फिफ्थ की फिफ्थ गियर पे हो और एटी प्लस स्पीड है तो आप मतलब सिटी में तो नहीं चलाओगे हाईवे पे इतना स्पीड रहेगा रहे और उस टाइम पे मतलब कैसे इतना रियलाइज नहीं होता है, गाना वगैरह हो चल रहा होता है बातें कर रहे होते हैं हाँ। तो उस टाइम पे इतना रियलाइज नहीं होता है, बट अकेले रहेगा पूरा सुनसान रहेगा तो उस टाइम पे आपको वो आवाज सुनाई देगी वो मेजर इम्पैक्ट था ड्रॉबैक था मेरे लिए बट अभी मुझे लगता है कि ठीक है उससे चल जाएगा इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है

ठीक है वो ऐसा हाँ ठीक है आ, मतलब और तो दूसरा कुछ मुझे इस इसमें इतना ड्रॉबैक लगा नहीं वही मेरा मेजर कंसर्न था और जो जबी जब भी मुझे छोटे छोटे इश्यूज़ फेस हुए हैं जैसे मैंने इन्फोटेनमेंट का बताया हाँ। फिर पिकअप का मेरा इशू था पिकअप का इशू बताया बट जब भी मैं सर्विस सेंटर लेके गया गाड़ी उन्होंने वो इशू रिजॉल्व करके दिए मुझे तो मतलब मैं सुनता हूँ लोगों से कि यार टाटा के सर्विस सेंटर इतने अच्छे नहीं है सर्विस अच्छा नहीं है मतलब सच बताऊँ तो छोटे छोटे जो टाउन्स है जहाँ पे टाटा सर्विस सेंटर है वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी बट जो मेट्रो सिटीज है लाइक पुणे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सर्विस सेंटर हैं वो आपको मतलब पूरा प्रोफेशनली आ, वो हेल्प करते हैं और अगर बात हो जाए मतलब पुणे में हिसाब मतलब से तो कुछ पाँच क्षेत्रों तो मतलब सर्विस सेंटर है पाँच अलग अलग ब्रांच है वो अलग सब करेक्ट तो तो मतलब ऐसा मतलब पांच कि कंपटीशन अगर एक ने सर्विस अच्छी नहीं दी तो उसको भी पता है कि ये बंदा दूसरे के पास जाएगा करेक्ट तो मतलब यहाँ पे एक माहौल है अच्छा बना माहौल अच्छा है और और क्या है ना कि आप क्या कर सकते हो अगर आपको सर्विस अच्छा नहीं लगा तो आप टाटा को रेज कर सकते हो टाटा को रेज करेंगे तो वो रिक्वेस्ट रेज होगा कम्प्लेट रेज होगा वो सर्विस सेंटर के अगेंस्ट फिर सर्विस सेंटर आपको कॉल करके फिर पूछेगा कि क्या कंसर्न है एंड दे विल आस्क यू टू कम वो भी जो भी है प्रॉब्लम वो फिक्स करके देंगे आपका और मतलब ये बात तो ये जो मतलब कंप्लेंट कम्प्लेटर पूरा प्रोसीजर तब तक बंद होगा नहीं जब तक आप उनको रेटिंग देके मतलब करेक्ट फीडबैक नहीं देते मतलब वो सर्विस सेंटर वालों तो ऐसे मतलब वो आपको पूरी सर्विस फ्री में करके देंगे नाइन स्टार्स जो मतलब उनके रेटिंग्स होते हैं ना वो चीज के लिए करेक्ट करेक्ट मतलब uh... इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम कैसा रिव्यू देते हैं उनके बारे हाँ। में जब आप सर्विस के लिए गाड़ी आ, सर्विसिंग के लिए बुक करते हो उस टाइम से पूरा फीडबैक देने तक सर्विस सेंटर वाले आपके टच में रहेंगे सर आपको कैसा लगा इवन सर्विस सर्विस एडवाइज़र आपके कनेक्ट में रहेगा सर कैसा लगा सर्विस वगैरह सर रेटिंग अच्छा दीजिए अगर अच्छा लगा होगा आपको आ, फिर उनके एडवाइजर्स जो आ, सर्विस yeah, डेस्क वाले रहते हैं सर्विस सेंटर वाले वो भी आपको कॉल करेंगे आपको टाटा से कॉल आएगा टाटा से भी कॉल आता है आफ्टर सर्विस फीडबैक के लिए कैसा लगा क्या लगा hmm. अगर हमने कुछ एक भी पॉइंट पे निगेटिव फीडबैक दिया तो वो एक केस रजिस्टर होता है उनके अगेंस्ट फ्रॉम टाटा साइड और टाटा वाले फिर उसके ऊपर

मतलब अपॉर्चुनिटी दिया तुमने तुम्हारे यूट्यूब के मतलब वीडियो में लेने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू